हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। तो बेटा, आज हम डाइजेशन इन ह्यूमंस को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, जब हम डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे तो हमने एलिमेंट्री कैनाल्स के टू पार्ट्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज द माउथ एंड सेकेंड वन इज द बकल कैविटी। और बकल कैविटी में हमने तीन पार्ट्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज द टिथ, सलाइवा एंड टंग। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज फेरिंग्स। हमने देखा कि जो फूड है, सबसे पहले इंजेशन पार्ट होता है, यानी कि माउथ से बक्कल कैविटी में फूड जाता है। वहां पर सलाइवा फूड के साथ मिक्स होकर स्टार्च का डाइजेशन करता है और ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इंटू द सिंपल शुगर। आफ्टर द बक्कल कैविटी फूड मूव्स इंटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि कॉमन पैसेज होता है बोथ विंड एंड फूड। यहाँ पर दोनों ही के लिए ये कॉमन पैसेज होता है। और यहाँ के बाद आफ्टर द फेरिंग्स फूड पासिस थ्रू द ऑसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप। दिस वन इज द ऑसोफेगस। और यहाँ से फूड क्या करता है, पेरिस्टोल्सिस मूवमेंट में, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, फूड की मूवमेंट कैसी होगी, पेरिस्टोल्सिस मूवमेंट में मूव करता हुआ फूड यहाँ से कहाँ आता है, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द स्टमक। फूड स्टमक में आता है। अब जो फेरिंग्स होता है और जो ऑसोफेगस होता है, वहाँ पर फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ वहाँ से फूड क्या होता है, पास होकर स्टमक में आता है। अब जब फूड स्टमक में आता है तो स्टमक क्या है, स्टमक की वो मस्कुलर है तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंड होना स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टमक है वो एक्सपेंड हो जाता है और यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम सीक्रेट होते हैं, यानी कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकेंड जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज पेप्सिन। एक एंजाइम है जो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फूड का डाइजेशन करता है, दैट इज प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है इन स्टमक। अब जो HCl है, हमने HCl के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द HCl। तो जो HCl है स्टमक के अंदर, ये क्योंकि नाम से क्या पता चल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर हुआ। तो जो एसिडिक है तो ये स्टमक में क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। और जो फूड के साथ जो जर्म्स आ गए हैं स्टमक के अंदर, वो क्या करता है, HCl उनको, बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम, उनको किल कर देता है। अब क्योंकि स्टमक में क्या क्रिएट कर रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट, तो जो सेकेंड जो एंजाइम है, दैट इज पेप्सिन, वो क्या होता है, पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म है, लेकिन उसकी, लेकिन ये स्टमक में प्रेजेंट रहता है किस फॉर्म में, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन फॉर्म में स्टमक में प्रेजेंट रहता है। और जब इसके ऊपर HCl एक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है, यानी कि इसको एसिडिक मीडियम मिलता है, तो ये एक्टिव हो जाता है और कन्वर्ट होता है इनटू द पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन क्या हो गई, इनएक्टिव फॉर्म, और पेप्सिन क्या हो गई, एक्टिव फॉर्म। अब जो पेप्सिन है वो क्या काम करेगा, जो पेप्सिन है, पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है कौन, पेप्सिन। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू द सिंपल प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा इनटू द सिंपलर फॉर्म, दैट इज पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस। पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में जो पेप्सिन एंजाइम है वो इनको ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पर जो, उसके बाद जो थर्ड है वो है म्यूकस। जो थर्ड सब्सटेंस सीक्रेट हो रहा है स्टमक के अंदर, दैट इज म्यूकस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्टमक वॉल टू द डाइजेशन, क्योंकि HCl सीक्रेट हो रहा है स्टमक के अंदर, तो मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अगर HCl वॉल्स को टच करेगा तो वो क्या होंगी, डाइजेस्ट हो सकती है। तो जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो
म्यूकस सीक्रेट करती हैं और ये उन वॉल्स को डाइजेस्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। ये म्यूकस का काम होता है और फूड को क्या करता है, ल्यूब्रिकेसी प्रोवाइड करता है टू पासिस इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन। सो आफ्टर द स्टमक कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं तो यानी कि ग्लैंड एक ऑर्गन होती हैं जो सीक्रेट्स करती हैं सम डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स और प्रोटीन्स। तो वो उनका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करना, और वो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, जो फूड आप इनटेक कर रहे हो उसको डाइजेशन करते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसमें फर्स्ट वन इज द लीवर, एंड यू नो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर होती है। अब जो लीवर है वो कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, दैट इज बाइल जूस। लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन करती है, और जो बाइल जूस सीक्रेट हुआ ये स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो स्टोर हो जाता है। अब यहाँ से स्टोर, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको ऑर्गन दिख रहा है ना, दिस इज द लीवर। जो लीवर है वो क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, और जो ये पार्ट है दिस वन इज द गॉल ब्लैडर, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। जो सीक्रेशन ऑफ द बाइल जूस है वो हुआ और यहाँ पर इस ऑर्गन में वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और ये ऑर्गन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये कहाँ कनेक्ट है, इस पार्ट से, ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बाइल जूस सीक्रेट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब जो बाइल जूस है उसका वर्क क्या है, जो बाइल जूस होता है ना बेटा वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि अल्कलाइन इन नेचर होता है, और वो क्या करता है, मीडियम को कैसे कर देगा, अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बेसिक इन नेचर है तो मीडियम भी अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। तो वहाँ पर कुछ जो पैनक्रियाटिक जूस हैं या जो इंटेस्टाइनल जूस हैं उनको क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो। और बाइल जूस एक कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करता है, किसको, दैट इज फैट्स, यानी कि दैट मीन्स इट एमल्सीफाइज फैट्स, यानी कि फैट्स का डाइजेशन करता है और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू द सिंपलर फॉर्म लाइक फैटी एसिड्स। सो ये थी लीवर। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे अबाउट द पैनक्रियास। सेकेंड ग्लैंड इज पैनक्रियास। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ग्रीनिश कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पैनक्रियास। और जो पैनक्रियास है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियास। अब जो पैनक्रियास है वो भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है जिनको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करती है। इसमें कुछ टाइप, डिफरेंट टाइप्स के पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट होते हैं। उसमें फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकेंड है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एंड थर्ड वन इज द पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये तीन जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये सीक्रेट होते हैं बाय द ग्लैंड दैट इज नोन एज पैनक्रियास। अब जो ट्रिप्सिन है वो क्या काम करता है, तो जो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले काम हुआ था स्टमक में। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसा होगा क्योंकि टोटली डाइजेस्ट तो प्रोटीन हुआ नहीं होगा जितना आपने इनटेक किया है, तो जो बचा हुआ प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट करता है कौन, ट्रिप्सिन, यानी कि ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन। उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब सबसे ऊपर आप लोगों ने देखा था बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम सीक्रेट हुआ था, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, और उसने क्या किया था, स्टार्च को डाइजेस्ट किया था इनटू द सिंपल शुगर। तो वहीं पर पैनक्रियाटिक जो अमाइलेज है वो भी किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को, यानी कि जो स्टार्च बच गया है फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। नेक्स्ट वन इज द पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब आप लोगों ने देखा था कि जो बाइल जूस था सीक्रेट हुआ था बाय द लीवर, वो किसको एमल्सीफाई कर रहा था, फैट्स को। अब जो कुछ फैट्स बच जाएगा तो यहाँ पर जो बचा हुआ फैट्स है उसको पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट कर देगा इनटू द सिंपलर फॉर्म, दैट इज फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल।
इन चीज़ों में वो उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स के ऊपर एक्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी। अब जो सीक्रेट करती हैं, लाइक यहाँ से क्या हुआ, बाइल जूस सीक्रेट होता है और पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, दीज एंजाइम्स, इन तीनों एंजाइम्स का, और ये एक कॉमन पैसेज से कनेक्ट होते हैं। पैनक्रियाज भी यहाँ से कनेक्ट है और जो गॉल ब्लैडर है उसको, वो भी कहाँ से कनेक्टेड है, इस पार्ट से, और दिस पार्ट इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो ये इन्वर्टेड यू शेप जो पार्ट है इसको हम कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं और जो बाइल जूस होता है, वो उनका कॉमन सिक्रीशन कहाँ आएगा, इस ड्यूडेनम में आता है। उसके बाद वो सारा जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। तो सारे जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, मिक्स होते हैं और वहीं पर जो बाकी बचा हुआ कंपोनेंट ऑफ द फूड होते हैं वहां पर उनको डाइजेस्ट करते हैं और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। तो हमने अभी फर्स्ट देखा, यहाँ पर जो दिस पार्ट इज द, उसको हम कहते हैं दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है, दैट इज डियोडेनम, एंड सेकेंड पार्ट इज जेजुनम, वेयर एज थर्ड पार्ट इज इलियम। ये तीन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। अब जो ड्यूडेनम है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड यू शेप्ड का होता है, जहां पर पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। उसके बाद जो नैरोवर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जियोजेनम, और जो लास्ट पार्ट होता है, जो मोस्ट नैरोवर होता है, उसको हम कहते हैं इलियम। और यहाँ पर सबसे जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि जो ये कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो डायग्राम में, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पर सभी डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इंटेस्टाइन सीक्रेट करती है, तो वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कर देती है। उसके बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, जो इनर वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होते हैं, जैसे ये इनर वॉल है, इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके सरफेस एरिया को, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करते हैं, सोखते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई, यानी कि विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट एट द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, एंड इट इज हाईली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एब्जॉर्ब फूड है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और वहाँ से सेल्स में जाके एसिमिलेट होता है, एसिमिलेशन यानी कि उस फूड का ब्रेकडाउन होता है और उसमें से एनर्जी गेन कर लेती है हमारी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो डाइजेशन को, यानी कि फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करती है। अब यहाँ से आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन आपको एक इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो इन्वर्टेड पार्ट है इसको हम कहते हैं कोलोन। जो इन्वर्टेड यू शेप है ना, यू ऐसा होता है, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो जो इन्वर्टेड यू शेप जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, दिस इज कोलोन। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि टर्मिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस वन इज द रेक्टम, और रेक्टम भी क्या है, पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अब उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि डाइजेशन तो कहाँ कंप्लीट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर, यानी कि जो फूड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्या करते हैं, एनस के थ्रू इजेक्ट आउट कर देते हैं, यानी कि इजेशन, उसका इजेशन हो जाता है,
वो फिकल मैटर के रूप में बाहर आ जाता है. सो अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. दिस लास्ट पार्ट इज द एनस. सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एक्सटेंडेड टू द एनस. यानी कि स्टार्ट माउथ से होती है और एंड कहाँ पर होती है? एनस पे. और इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल्स में ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमने इनके जिसको डिस्कस किया वो डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं. तो बच्चों आपने देखा हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे. और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.